आगे आपके लिए सबक बन जाते हैं। इस तरह का चलिए यहाँ पर से वो कमाल का पास करता हूँ यहाँ पर लेफ्ट डिफेंडर के लिए, हालांकि यहाँ पर गेंद अच्छी ना छुट्टी करते हुए लेकिन अच्छी गेंद पे यहाँ पर होल्ड कर रहा है 11 नंबर के खिलाड़ी। लेकिन आज 11 नंबर के खिलाड़ी ने आज कमाल का खेल तो खेला है फरहान डोबरा की टीम के लिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी आंखुश नजर आए कुछ खिलाड़ी यहाँ पर डिसीजन से। चले यहाँ पर लॉन्ग रेंज फिर से यहाँ पर शॉट टिक लगे तो चले चली गई यहाँ पर गेंद फरहान डोबरा निश्चित तौर पर यहाँ पर थोड़ी सी एक प्रेशर दबाव बिल्कुल हो गए, लेकिन दबाव से उभरना बिल्कुल को अच्छी तरह से आती है। तो मैंने कहा ना बच्चों का नक्तर है छेद बराबर ना गोल हुआ हमारा कमरा रिन खिलाड़ी को दबित जाने की नपाय को खेल करना तालमेल नपाय गया मैन खान फिनिशर इसका कर दबे बॉल पूरे पास पर कमजोर कर दिया बट टंगा एक बड़े टीम आज नपाय ताक बॉल कंट्रोल करते बॉल दे जाकर के दोगे ना कटी छटे करते बॉल मार से दहाड़ के चेस्ट लगता है करना सात नंबर प्लेयर से मैन खान ने किचुक एक्स्ट्रा एफर्ट कोशिश किया था करना लॉन्ग ट्राइन मैन टू मैन पास करते नीचे जो शॉटिंग लेना चेस्ट लेते हैं कि मेरे को नॉक ट्रिगर बॉल ले पर मैं लेकिन बॉल किक के रेडंग को फिर पोजीशन बॉल ले जोन के तो हो कर रखे बॉल के पर और शक्तों के भी अगर मैन खान ने ऑल के नियम का किस तरह चें इन्हें लेके आते दो आठ टूर्नामेंट में खेल रहा सूत्रों नियम सात सात तो मिनट पॉकेट ने बना पॉकेट ने मैंने बना आ टांडी फिटिंग किया गोल की कॉक्टर है सेंट्रल लाइन खंड दो बिट थी या मैन का नजर प्लेस से क्या तो बिट बोले टांग लगते कि ना मैन का ना जो तो गैप जो तक बिल दूर आ इनका उनका बोल दो ऑल मजा ना मैच रखने लगी। तो ये इस तरह का पॉकेट नियम तो हमारे इस टूर्नामेंट में लागू किए गए हैं, हालांकि फुटबॉल का नियम कुल 17 नियम होते हैं लेकिन हमारे कुछ कुछ टूर्नामेंट में कुछ पॉकेट नियम को भी ली जाती है, हालांकि आज तक इस टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन करता हुआ दोनों ही टीमें। चलिए 13 नंबर का मैच आशे का काचा टीम का सामना करेंगे यंग बॉयज क्लब की टीम, दोनों ही टीम हमारे इसे टेक्निकल जोन में चलाएंगे क्योंकि खेल लगभग समाप्ति की ओर चल रही है। धीरे धीरे दोनों ही टीम इस मुकाबले में अंतिम चरण के दौर में ये चल रही है, लास्ट टाइम ये मुकाबला रनिंग पोजीशन पर चल रही है, हालांकि मरान कोबरा अभी तक जीतों प्रयास करता हुआ काफी पसीना बहा रहे हैं अपने टीम को बराबरी का गोल तक निकले। चलिए शिव का यहाँ पर अच्छी प्रयास और यहाँ पर शिव के बहुत बड़ी चूक, हालांकि यहाँ पर पावरफुल शॉट के बजाय आशीष प्लेयर के लिए फिर पास खेलते या सेकंड पार को चूज करते तो बिल्कुल यहाँ पर मौका बन सकता था, लेकिन शिव जैसे खिलाड़ी इस तरह का गलती करेंगे ये बात हजम नहीं होती है। इस तरह का दर्शक अपने अपने मन में सोचता हुआ लेकिन कभी कभी इस तरह का खेल में हो जाती है जिस बात को समझना होगा। चलिए यहाँ पर फिर से मरा गोबरा की टीम गेंद को अच्छे होल्ड करता हुआ अपने असिस्ट प्लेयर्स के लिए यहाँ पर पास को खेला गया। चलिए यहाँ पर डिफेंसिव खेल लेकिन अपने रक्षा पंक्ति को पूरी तरह से मजबूत करता हुआ डर बसा दाम कॉम टाटा नगर की टीम। इस मुकाबले में मारा गोबरा की टीम यानी कि केबीसी मारा गोबरा की टीम में 0-1 के मुकाबले पिछड़ रही है। आज ओडिशा स्टेट से 3 टीमें इस टूर्नामेंट में अभी तक ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, हालांकि ओडिशा हमारे पड़ोसी राज्य है और हमारे इस क्षेत्र में कई बार अच्छी क्रॉस करके हमारे मौका हो सकता था, हालांकि गेंद को यार में यहाँ पर कंट्रोल करने का प्रयास 7 नंबर के खिलाड़ी केबीसी मारा गोबरा की टीम के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए गए थे लेकिन थोड़ी सी किस्मत पूरी तरह से साथ नहीं मिल पा रहे, तालमेल टाइमिंग पूरी तरह से नहीं बना पा रहे। चले यहाँ पर गेंद आउट करता हुआ और इस तरह से यहाँ पर खेल करने का मौका मिलेगी। चले आशे का काचा की टीम का सामना करेंगे यंग बॉयज क्लब की टीम, आप दोनों ही टीम हमारे से टेक्निकल जोन में चलाएंगे। आशे का काचा हमारे टेक्निकल जोन में पहुंच चुकी है विपक्षी दल यंग बॉयज क्लब के टीम कप्तान
आप अपने खिलाड़ी को लेकर तक हमारे से टेक्निकल जोन पर पहुंचा देंगे 13 नंबर का मुकाबला के लिए। आप लोग को ऑलरेडी काफी समय मिला है, इसके बावजूद अगर लेट लैटिन करेंगे तो हम कहना चाहेंगे आप लोग कहीं ना कहीं आपको नील को यानी कि नॉट ओवर के जरिए आपको पराजित किया जा सकता है। बड़ी टूर्नामेंट है, बड़ी टूर्नामेंट में डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ता है। चलिए यहाँ पर फिर से मौका बन सकता था और यहाँ पर डर में साथ आपको टाटा नगर के लिए अभी तक 1-0 की यहाँ पर लीड बन चुकी है। चलिए सिर्फ बहुत अच्छे प्रयास शॉट निकल गए, हालांकि यहाँ पर गेंद को पांव से यहाँ पर कंट्रोल करने का प्रयास करें गोलकीपर, हालांकि ग्रिप लेते कलेक्ट करते तो मौका लेकिन खतरा संभावना को कम किया जा सकता था। फिर से यहाँ पर डर में साथ आपको टाटा नगर की टीम अच्छी हेडर मरा गुमरा अंतिम समय अभी फिर से जुटता हुआ संघर्ष कर रही है, लेकिन अभी तक कभी यहाँ पे थोड़ा सा हाथ नहीं लग पा रही। आज 11 नंबर के खिलाड़ी को मैं तारीफ करना चाहूँगा, बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन किया है, लेकिन मेहनत काफी अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कभी यहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं। अब देखना होगा यहाँ पर अंतिम समय क्या किस पक्ष में ये जीत का दामन थामेंगे, लेकिन यहाँ पर जीत की संभावना कुछ हद तक यहाँ पर विपक्षी दल देर में साथ नंबर टाटा नगर की टीम में अब तक यहाँ पर जीत का 32 धीरे धीरे बढ़ता हुआ 25-27 यहाँ पर केबीसी मारा गबरा के पक्ष में है, यानी कि यहाँ पर अंतिम समय के दौर में मुकाबला चल रही है, लेकिन इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए यहाँ पर बराबरी का गोल तकना होगा। चलिए यहाँ पर छीना चपटी जा रही दोनों हिट टीम में, लेकिन गेंद यहाँ पर वहां जाता हुआ चलिए सेकंड गोल फटाफट रिलीज करेंगे। चलिए यहाँ पर दर में सांपम टाटा नगर की टीम के लिए प्रयास यहाँ पर छीना चपटी जा रही है, यहाँ पर मौका है लेकिन चकमंद ने प्रयास किया गया था डिफेंडर को खुद से अच्छे प्रयास यहाँ पर लगाए थे, लेकिन क्या बेसी मरा गोबरा की टीम में, लेकिन आज बहुत ही शानदार खेल को खेल रही है, लेकिन बराबरी का गोल नहीं देख पा रहे, ये थोड़ी सी टीम के कोच और टीम के नेतृत्व चिंता का विषय बनता हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मुश्किल के लिए बढ़ता जाएगा यहाँ पर केबीसी मरा गोबरा की टीम के लिए। और इस तरह से ये चलिए 13 नंबर का मैच के लिए दोनों ही टीम में टेक्निकल जोन में पहुंच चुकी है, 14 नंबर का मैच के लिए मैं रेडी करना चाहूंगा शंखो से टीम ना टीम का सामना करेंगे सहम राम स्पोर्टिंग की टीम, सहम राम स्पोर्टिंग की टीम और शंखो से टीम ना की टीम कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा आप भी पूरी तरह से 14 नंबर का मैच के लिए रेडी रहेंगे, 15 नंबर का मैच के लिए रेडी रहेंगे एजे के सतावना टीम का सामना करेंगे डेंजर गुजरी लता, 16 नंबर का मुकाबला जूनियर दिल्ली गुड़ा टीम का सामना करेंगे राजीव स्पोर्टिंग, 16 नंबर का मैच में राजीव स्पोर्टिंग सीधी सिनेमा का करेक्शन कर लेंगे जिन टीमों को टेंशन मिल चुकी है ओनली फॉर राजीव स्पोर्टिंग के नाम से टीम पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए यहाँ पर मारान कोबरा की टीम ने अच्छे प्रयास करता हुआ, चलिए यहाँ पर मेहनत काफी अच्छी कर रहे हैं केबीसी मारान कोबरा, लेकिन लॉन्ग रेंज एफर से गेंद को शॉट ले रहे हैं, ये थोड़ी सी यहाँ पर रणनीति को बदलना होगा, अगर थोड़ी सी गेंद को धीरे धीरे गोल आधार स्थान का चाहे गोल अगर गोल पर छोटा बोल काटा ठीक है नपा नपा टीम का चलना का नको एक एक मिनट एक एक सेकंड में मैंने पहले पूरे लिखा हमारे को एक गोल ना मैंने कहा हम आठ चुनना मिल रहे एक एक मिनट एक एक सेकंड टीम लेकर आगे बढ़ी आगे मायने में ना मैंने कहा हम टूर्नामेंट सफल बिना लगे सक्सेस बिना लगे बॉल बोया बड़ों को खिलाड़ी लगती करना चलिए अंतिम दौर के लिए मुकाबला चलिए ये मुकाबला अब तक समय समाप्ति की घोषणा करता हुआ जीत मिले मैं ढेर सारे में शुभकामनाएं देना चाहूंगा दौर के साथ हमको टाटा नगर की टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं धन्यवाद।